नमस्कार दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम 10 टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो अगर आप टेरिस गार्डनिंग करना चाह रहे हो ना, तो आपके लिए एक गुरु मंत्र साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक के ऊपर ही पूरा वीडियो बनने वाला है। दोस्तों, क्या होता है ना, हम शुरू तो कर लेते हैं लेकिन नॉलेज नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, बीच में उसको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि एक नन्ही चींटी जब दाना लेके चढ़ती है दीवारों पर, 100 बार चढ़ती है फिर फिसलती है, ठीक है, एक बार दाना लेके वो चढ़ जाती है। तो उसी प्रकार दोस्तों, क्या है कि पौधे हैं नेचुरल पे, नेचर के ऊपर। अगर आपको पता होगा कि नेचर को समझ पाओगे, पौधों को समझ पाओगे, तो आप प्लांट को आराम से ग्रो कर पाओगे। दोस्तों, सबसे पहला मेन पॉइंट आता है हमारा सनलाइट, ठीक है। कई क्या करते हैं कि पौधा लाते हैं, पता नहीं होता यार इस पौधे को कितनी सनलाइट देनी है, हमने कैसे देनी है, तो वो आधी सनलाइट देते हैं, कभी नहीं देते, कभी छाया में रख देते हैं, शेडी एरिया में रख देते हैं। तो ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। जब भी आप प्लांट लाते हो, अगर आपको नहीं पता तो आप नर्सरी वाले से पूछ सकते हो इसको कितने घंटे की धूप चाहिए, तो नर्सरी वाला भी आपको बता देगा इसको 6 से 8 घंटे की चाहिए, 4 से 5 घंटे की चाहिए, 3 से 4 घंटे की चाहिए। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो धूप चाहिए होती है, जैसे लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनको 4 से 5 घंटे की, 3 से 4 घंटे की भी धूप वो मिल जाए तो वो बढ़िया है, बहुत है, ठीक है। और फ्लावरिंग के प्लांट होते हैं, कुछ इंडोर के प्लांट भी आते हैं। इंडोर के प्लांट ऐसे नहीं है कि आपने सीधा कमरे के अंदर रख दिया, उनको शेडी एरिया में रख सकते हो, जैसे ग्रीन नेट लगा के रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे फ्रूटिंग प्लांट्स, जो कि जैसे अमरूद हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, इस तरह की जो वैरायटी होती है हमारी। तो दोस्तों, इन वैरायटी को आप 24 जो अपनी 7 से 8 घंटे की धूप आती है, तो 7 से 8 घंटे की धूप आपको देनी ही देनी है। तो अपने खेत, अपने टेरिस को ऐसे डिजाइन करो कि जो आपके बड़े प्लांट हैं, जैसे टमाटर हो गया, टमाटर को भी 7-8 घंटे की धूप चाहिए सुबह से लेकर शाम तक। मिर्च का पौधा है, उसको धूप नहीं मिलेगी तो उसमें बीमारियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। बैंगन का प्लांट है तो वो सर्वाइव नहीं करेगा अगर उसको प्रॉपर धूप नहीं मिलेगी। सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ कि आपने कितने घंटे धूप आपकी छत के ऊपर कहाँ पे आती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो एरिया है मेरा ओपन है, पीछे आप सूरज भी देख सकते हो, ये ओपन है, यहाँ पे मेरी 7 से 8 घंटे की धूप आती है। तो अभी हम इस साइड चलते हैं, तो इस साइड देखोगे तो यहाँ पे मेरी धूप कम आती है, 3 से 4 या 5 घंटे की धूप मैक्सिमम आ जाती है मेरी यहाँ पे। तो जो हेल्दी प्लांट हैं, जो बड़े प्लांट हैं, जैसे फ्रूटिंग का हो गया कोई भी, चाहे आपके टमाटर, बैंगन, खीरा, ककड़ी, करेला, घिया, तोरी, ये, और अगर आप फ्रूट के प्लांट लगा रहे हो तो फ्रूट के जो पेड़ होते हैं, पेड़ टाइप ही होते हैं वो, हम उनको गमले में लगा रहे हैं तो टेरिस के ऊपर, तो उनको आप पूरा सनलाइट के अंदर पूरा प्रॉपर रखो, ठीक है। दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो गुरु मंत्र नंबर 2 है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट किस समय उगेगा, किस समय लगाना चाहिए ताकि हमें फ्रूटिंग वगैरह अच्छी मिले। तो थोड़ा बैठ जाता हूँ मैं, आराम से बैठ के ना फिर बातचीत करते हैं यार। तो कौन सा प्लांट हमें लेना चाहिए, तो क्या होता है ना कि अगर आप पालक अगर गर्मियों में उगाओगे तो वो नहीं उगेगी, तो उसको भी एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। धनिया हो गया, धनिया नहीं उगता, ठीक है। जैसे अपने बाजरा हो गया, बाजरा गर्मियों में नहीं कर सकते। कपास होगी तो कपास सर्दियों में नहीं कर सकते, गर्मियों में करते हैं। तो इस तरह एक चार्ट बना होता है, अगर आपको चाहिए तो मैं दे भी दूंगा कि कौन कौन सी फसलें किस टाइम की जाती हैं। तो प्रॉपर जो समय जिस सब्जी का, वेजिटेबल का हो, उसी समय उसी सब्जी को आप लगा सकते हो। काफ़ी ऐसी सब्जियां भी आती हैं जो 12 महीने आप कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे करेला हो गया, घिया हो गया, तोरी होगी, ये चीज़ें आप कर सकते हो। आजकल बीज भी आ रहे हैं काफ़ी अच्छे अच्छे हाइब्रिड सीड्स हैं जो अच्छा उत्पादन भी देते हैं। तो ये एक, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पूरा जब भी आप लगाओ पहले कुछ गूगल भी सर्च कर सकते हो कि यार कौन कौन सी सब्जी हम लगाएं किस महीने में, ठीक है। और नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों,
अब क्या होता है कि हम जितनी भी फसल लगाते हैं, वैसे तो खेत में लगाते थे, पेड़ भी, जैसे मैंने यहाँ पे अमरूद का लगाया हुआ है, इधर ये अमरूद का है, तो ये हैं खेत के पौधे, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा होना होता है। हमने क्या करना है दोस्तों, इनको ग्रो बैग्स के अंदर लगाना है या किसी गमले में लगाना है, ठीक है। तो इनको वैसा एक जगह दी जाती है, हमें, हम इनको जगह देते हैं, जो जैसे खेत में हम लगाते हैं ना, खेत में क्या होता है कि वहाँ की मिट्टी सख्त होती है, ठीक है, क्योंकि खेत में यार DAP यूरिया बहुत फेंकते हैं भाई, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन हम टेरिस पे क्या कर रहे हैं कि टेरिस के ऊपर हमें मिट्टी बहुत पोली बनानी होती है, कहीं ऐसा नहीं है कि आपने खेत से मिट्टी ला और मिट्टी भरी और डाल दिया, क्योंकि थोड़ी मिट्टी के अंदर आपने प्लांट को ग्रो करना है, वो जड़ें चलेंगी तो सही, लेकिन जब मिट्टी सख्त हो जाएगी, पूरी कठोर हो जाएगी, तो उसमें प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता, कुछ टाइम बाद प्लांट मर जाता है। तो अगर आपको नहीं पता कि सोइल हमने कैसे बनानी है टेरिस के लिए, तो मैंने वीडियो का लिंक भी डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जा कर के देख सकते हो, तो जिसमें हम कोकोपीट का भी, वर्मी कंपोस्ट का, गोबर खाद, नीम खली और सोइल का जो मिक्सर बना के बनाते हैं, तो उस तरह ही आपने मिट्टी को बनाना है दोस्तों। ये छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन दोस्तों ये समझने वाले पॉइंट है अगर आप टेरिस गार्डनिंग पे चल रहे हो तो। अब नंबर 4 पे पानी देने का तरीका। दोस्तों आप क्या करते हो, आपको पता नहीं होता कि पानी देना कैसे है, तो आप क्या करते हो, छत पे गए, हल्की मिट्टी सूखी दिखी, आपने पानी डाल दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे ये मेरा अमरूद का प्लांट लगा हुआ है, इसके अंदर क्या है कि अगर मैं इसको रोज़ पानी दूंगा, ठीक है, जैसे मेरी ऊपर की मिट्टी अभी सूखी है, लेकिन आप नीचे देखोगे ना, नीचे की मिट्टी मेरी गिल्ली पड़ी है, मॉइस्चर है अभी। तो ऐसे कभी भी मत करो कि यार एकदम से ना पानी देना स्टार्ट कर दिया आपने, जब मन किया जब पानी दे दिया, ऐसा नहीं होता। खेत के अंदर भी आप देखोगे तो फसलों को कम से कम 15 दिन में एक बार पानी दिया जाता है, जब नहर की बारी आती है या ट्यूबवेल से चलाते हैं, अगर सूखा पड़ जाता है तो। वहाँ पे क्या पौधे सूखते नहीं हैं, वो भी तो सूखी मिट्टी में चलते हैं ना पौधे। तो उसी तरह से जब भी आप पानी देते हो, ठीक है, पानी देते हो ना, तो अगर आपने, मैं सीधा सा मेथड बता देता हूँ, आपने पानी देना कैसे है दोस्तों। अगर गर्मी का टाइम है तो आप उनको हफ्ते के अंदर 2 बार पानी दे सकते हो, ठीक है, बैलेंस करके अगर दे सकते हो, यानी 3 दिन छोड़ के 4th दिन दे दिया, फिर 3 दिन छोड़ के फिर 4th दिन दे दिया। अगर सर्दियों का टाइम है तो सर्दियों में दोस्तों हफ्ते में 1 बार ही पानी दो, ऐसा नहीं है कि यार आपने 3 दिन में दे दिया, 4 दिन में दे दिया, 1 दिन में दे दिया, ऐसा कभी भी आप मत कीजिएगा। उससे क्या है कि रूट रोट्स की भी प्रॉब्लम आती है, जड़ गलन की भी शिकायत आती है, और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ये था पॉइंट नंबर 4, जो कि पानी को लेकर के था, पानी आप कैसे दें, ठीक है। अब आते हैं, बढ़ने के लिए हवा की जरूरत भी होती है। तो अब मैं समझाता हूँ आपको दोस्तों, क्या होता है कि ज़मीन के अंदर जो हम फसल लगाते हैं, जैसे नरमे की मैं फसल लगाता हूँ अपने खेत के अंदर, तो मैं कभी विजिट कराऊँगा, तो उसमें क्या होता है कि हम निडाई गुड़ाई का काम करते हैं ट्रैक्टर से, जब मिट्टी सख्त हो जाती है तो उसमें निडाई गुड़ाई करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हवा का चलन उसके अंदर बना रहे, मिट्टी के अंदर, मिट्टी को पोली करते हैं। तो उसी तरह जब भी आपने प्लांट्स को हफ्ते में 3 बार या 4 बार आपने उसकी निडाई गुड़ाई भी करनी है, हल्की सी मिट्टी से ऊपर लेके आप हल्का हल्का खोद सकते हो जड़ों के माध्यम से, और उसमें कोशिश करो कि वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो सड़ी हुई हो, 2 साल पुरानी हो, वो आप उसके अंदर दे सकते हो। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत समझने वाली है यार, ठीक है। और क्या होता है कि अब आते हैं नंबर 6 के ऊपर, पॉइंट नंबर 6 दोस्तों, गमलों में पौधों को खाद टाइम टू टाइम देने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि प्लांट अगर आप बड़ा लगा रहे हो, जैसे मैंने अमरूद का लगा दिया, इसकी न्यूट्रिएंट्स खींचने की क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट ज़्यादा खींचे है। आपने लगाया कितने में है, 12x12 के ग्रो बैग के अंदर, उसके अंदर कितना न्यूट्रिएंट है उसके अंदर,
इतना नहीं है जितना वो पूरे पेड़ को दे सके। तो जब भी आप निराई गुड़ाई करो, हल्का हल्का वर्मी कंपोस्ट यानी पानी देना है, तो एक दिन पहले आप उसको वर्मी कंपोस्ट हल्का हल्का डाल दो और उसके बाद एक दिन छोड़ के उसके बाद उसको पानी दे दो। तो दोस्तों न्यूट्रेंट्स की वैल्यू भी प्लांट को चाहिए होती है, ऐसा नहीं है यार कि बिना, क्योंकि बिना भूख के तो हम भी नहीं रहते ना यार, रोटी खानी जरूरी होती है हमारे लिए भी। उसके बाद आते हैं नंबर आठवां पॉइंट है दोस्तों, किस्म। यानी कि जब भी आप कोई भी प्लांट का सीड लेने जाते हो तो आपको उसकी वैरायटी का पता होना चाहिए कि मैं कौन सी वैरायटी का सीड ले रहा हूँ अभी और मुझे कितना उत्पादन इससे मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान कर रखना, ये नहीं है कि यार आपने घर से ही टमाटर उठाया और लगा दिया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप हाइब्रिड का टमाटर ले रहे हो, आपने उसमें टमाटर ले लिया, उसका बीज निकाल करके ना आप उसमें डालोगे, दोबारा से उससे अंकुरित करके आप दोबारा प्लांट बनाओगे, तो दोस्तों वो देसी प्लांट माना जाएगा, क्योंकि हाइब्रिड एक ही बार चलता है, बार बार उससे उत्पादन नहीं मिलता। और नंबर आठवां पॉइंट है दोस्तों, नौवां पॉइंट है जो, अब काफ़ी प्लांट ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, ठीक है। अब जैसे टमाटर का प्लांट है, वो तो आपका 2-3 महीने फ्रूटिंग देके वो चला जाएगा। पालक होगी, 2-3 बार हार्वेस्टिंग कर लोगे वो चला जाएगा। अब आप लगा रहे हो अमरूद का प्लांट, लीची का प्लांट या स्ट्रॉबेरी का प्लांट, स्ट्रॉबेरी का तो चलो वो है, जैसे आपका केले का प्लांट हो गया, जैसे बड़े बड़े प्लांट है ये, आप ये लगा रहे हो, तो दोस्तों इनको केयर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, इनका रखरखाव भी आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने प्लांट लगा दिया उसके बाद आपने इसको छोड़ दिया, कुछ टाइम के बाद इसको प्रूनिंग भी करनी है, प्रूनिंग भी आपको आनी चाहिए कि प्रूनिंग हमने करनी कैसे है दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कीट पतंगे, यानी कि जो बीमारियां आती है दोस्तों, बीमारियों के बाद जो हमारा 10वां पॉइंट है वो मेन पॉइंट है दोस्तों, बीमारियों के ऊपर है। अगर आपके प्लांट में बीमारियां आ रही है बार बार, आप क्या कर रहे हो कि मार्केट जा रहे हो दुकान वाले पे, उसको फ़ोटो दिखा रहे हो खींच के, ये है भाई मेरे को क्या दिक्कत है इसमें, वो कहेगा भाई ये शीशी ले जा आप 10 ml/L पानी के अंदर जाओ और डाल दो। दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं करना, अगर आपने जहर खाना है तो आप अपना बाहर से ही लेके खा लो यार, छत पे टेरिस फार्मिंग क्यों कर रहे हो, वो इसलिए कर रहे हो ना ताकि आपको ऑर्गेनिक सब्जियां खाने को मिल जाए यहाँ पे, इसीलिए कर रहे हैं ना। तो कभी भी आप पेस्टिसाइड का यूज़ मत करो, कोशिश करो कि आप अपने जो जैविक स्प्रे हैं, फर्टिलाइज़र हैं, वो आप खुद से बनाओ। नहीं आपको आता तो मैं आपको सिखाऊंगा, अभी मैं बनाने वाला भी हूँ 1-2 दिन के अंदर, तो वीडियो भी आ जाएगी, आप उसको फॉलो करना। क्योंकि मैंने टेरिस आपको पता ही है कि मैंने अभी स्टार्ट किया है दोबारा से। वैसे मैं आपको बताऊं तो मेरा एग्रीकल्चर का फील्ड है बचपन से ही, और मैं इसी में ही पहले हाइड्रोपोनिक कर रहा था, पीछे मेरा एक सेटअप लगा भी हुआ है, मेरा चैनल भी है मोहित हाइड्रोपोनिक्स के नाम से, आप वहाँ पर जाके सर्च कर सकते हो। पूरे इंडिया से बहुत लोगों को मैंने ट्रेंड भी किया है, और रांची के अंदर झारखंड में मैंने सेटअप भी इंस्टॉल किया है, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी मैंने ट्रेनिंग दी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और डेली की अपडेट जरूर देखा करो ताकि आप सीख सको, आप आगे बढ़ सको, आपकी टेरिस एक दिन आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।